नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रस का प्रसंग चल रहा है। आपको इसके पहले वीडियो मैंने 5 रस बताया, अब लेके चलते हैं आपको विभत्स रस की ओर। विभत्स रस, विभत्स रस का अर्थ होता है छत बिछत कटी फटी सड़ी गली चीज़ों को देख करके मन में जो घृणा की भाव उत्पन्न होते हैं, जो मन में निंदा के भाव उत्पन्न होते हैं, जो गुप्सा मतलब होता है निंदा, जो निंदा के भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। जैसे कहते हैं सिर पर बैठो काग दो आंख खात निकारत, जीभ ही खींचत स्यार प्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस पारत। ऐसी दशा में आपके मन में कैसे फीलिंग्स आएंगे? घृणा के भाव आएंगे कि कौवा सिर पर बैठा हुआ कोई जानवर मरा हुआ है और जो है उसकी दोनों आंखों को खोद खोद के क्या कर रहा है, निकाल रहा है, जीभ जो है सियार खींच रहा है और बड़े आनंद के साथ उसका पेट फाड़ के खा रहा है। तो ऐसी दशा मन में कैसी भावनाएं आती हैं? घृणा के भाव आते हैं। जब घृणा या निंदा के भाव आए तो वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, जुगुप्सा होता है, ध्यान में रखिएगा। जुगुप्सा का अर्थ निंदा होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रस है आपका सातवां रस, रौद्र रस। रौद्र जो शब्द बना है ये रुद्र देवता से है। रुद्र देवता अर्थात शिव जी का सहज रूप है, क्रोधी रूप, इसलिए इसका स्थायी भाव क्रोध है। और आपको बता दें, जब कोई ऐसा प्रसंग चले जिसमें किसी के क्रोध की भावना या खुद के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो तो ऐसी दशा में वहाँ कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको हम देते हैं, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहां पर भी देख लें आप, अब चाहे आपका कोई भी प्रसंग हो, चाहे कुंभकर्ण का प्रसंग हो, चाहे आपका जो है मेघनाथ का प्रसंग हो, चाहे आपका लक्ष्मण का प्रसंग हो, या किसी के वीरता का प्रसंग हो, तो याद रखिएगा गुस्से का प्रसंग हो, क्रोध की भावना दिखे तो वहां समझ जाइएगा कौन सा रस होगा। आप जानते होंगे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, इसका मतलब यहाँ पर रस कौन सा होगा? यहाँ पर रौद्र रस होगा। तो चलिए 7 रस हुआ, इसके बाद लेके चलते हैं आपको 8वें रस की तरफ, जिसका नाम है अद्भुत रस। भरत मुनि ने यहीं तक के रस माना है, इसके बाद नहीं माना है, इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, लेकिन सामान्य रूप से 9। शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह आश्चर्य या विस्मय होता है। आप जानते होंगे आश्चर्य भरी चीज़ों या विस्मय आदि चीज़ों को देखकर हमारे मन में कैसे भाव आते हैं? हमारे मन में आश्चर्य या विस्मय आदि के भाव आते हैं। तो अद्भुत रस ऐसी जगह पर होता है जब कोई ऐसा प्रसंग चलता है जिसके आधार पर हमारे मन में कैसे भाव आते हैं? आश्चर्य विस्मय के। जैसे आपके समक्ष एक उदाहरण देते हैं, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।
अब यहाँ पर देखें आप, यशोदा जी जब कृष्ण से पूछती हैं कि बेटा क्या खाए हो, तो कहते हैं कुछ नहीं माते, बोलिए मुंह दिखाओ मुंह दिखाओ, बोलते हैं आ, जब दिखाते हैं तो यशोदा जी क्या देखती है मुख में, उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो ऐसी दशा में आप देख रहे हैं आश्चर्य भरी चीज़ें, जब आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आता है तो उसके आधार पर आपको लगेगा कि एक छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, आश्चर्य का मैटर है, इसलिए वहाँ कौन सा रस होता है, अद्भुत रस होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रस है आपका शांत रस, नौवां रस अक्सर एग्जाम में पूछता है कौन सा है, शांत रस। शांत रस में होता क्या है, हम अपने इंद्रियों को किसी उपदेश परक वाक्य को सुनकर पढ़कर या ऐसे किसी चीज को देखकर, हम जैसे पंडित जी के पंडाल में बैठे हों, भजन कीर्तन चल रहा हो या फिर मिलाद शरीफ वगैरह होती हो, तो ऐसी दशा में जब बैठे रहते हैं तो क्षण भर के लिए हमारा ध्यान क्या होता है, सांसारिक जगत से विमुख होता है, अर्थात हमारा ध्यान सिर्फ जो है आध्यात्मिक की ओर आता है। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी राइटर्स हों, जितने भी कवि हैं, अगर उनके उपदेश परक वाक्य आते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर शांत रस होता है, और शांत रस का जो स्थायी भाव है वह है आपका क्या, निर्वेद, जिसे आचार्य मम्मट ने माना, आचार्य मम्मट ने क्या कहा, निर्वेद कहा, और शम सम को जो है आचार्य विश्वनाथ ने माना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्वेद का अर्थ होता है इच्छाओं को, इंद्रियों को नियंत्रित करना, और शम का अर्थ होता है इच्छाओं को नष्ट करना। ये महापुरुषों की बात होती है, वे ही अपनी इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है कुछ समय के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके यही पूछता है कि निर्वेद जो होता है, यही इसका स्थायी भाव ज्यादातर पूछा है, क्योंकि सामान्य पर्सन इच्छाओं को पूरी तरह से दमन नहीं कर सकते, इच्छाओं का अपने इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो क्षण भर के लिए इंद्रियों को अपने कब्जे में रखना, इच्छाओं को नियंत्रित करना निर्वेद कहलाता है, और पूरी तरह से इंद्रियों पर विजय पार प्राप्त करना वह शम कहलाता है। इसका स्थायी भाव वीतराग भी होता है, वैराग भी होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये होता कब है, उपदेश परक वाक्यों में, जैसे हम कह दें कबीरदास जी का एक प्रसंग लेते हैं, कबीरदास जी कहते हैं मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, बूंद लगे बिनस जाय छिन में, गर्व करे का इतना। अब देख रहे हैं आप, कबीरदास जी ने कहा कि हे मन, मन को सांत्वना देने के लिए, क्यों, क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए लोगों को समझाते हैं कि हे मनुष्यों, क्या है यह तन जो है, ये जो शरीर है, ये कागज के पुतले की तरह है, और क्या है, जैसे कागज के पुतले में पानी की बूंद का छिटा मार दीजिए तो वह गल जाता है, पिघल जाता है, उसी तरह से ये शरीर में भी पता नहीं किस टाइप की व्याधि आ जाए, कैंसर आ जाए, एड्स हो जाए, क्या हो जाए, कब नष्ट हो जाए, इस शरीर का भरोसा ना रखें, इसलिए इस सांसारिक मोहमाया में ना पड़ करके आध्यात्मिक जगत की ओर अपना रुख करें, ध्यान लगाएं आप। तो इस तरह से क्या हुआ कि मन को सांत्वना देने के लिए यह उपदेश परक वाक्य आया, इसलिए यहाँ कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। इसके बाद दोस्तों वात्सल्य और भक्ति रस में भी जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ये दोनों श्रृंगार के दायरे में आते हैं, दसवां आपका वात्सल्य रस
हमने बताया इसका जो अर्थ होता है, इसका जो भाव होता है, वत्सलता का, यह भी प्रेम है, लेकिन पुत्र आदि के प्रति प्रेम है, स्नेह दुलार इत्यादि है। तो वात्सल्य रस होता कहाँ है? जब किसी छोटे बच्चे के हाव भाव किलकारी इत्यादि का वर्णन किया जाए तो वहाँ कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। आपको पता है कि सूरदास को वात्सल्य के चचेरे कवि के रूप में जाना जाता है, अर्थात सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास। सूरदास जी ने अपने बंद आंखों से जो वर्णन कर दिया, खुली आंख वाला भी माना जाता है नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सूरदास के जो प्रसंग कृष्ण पर आधारित है, उनकी बाल लीलाओं पर, वहां पर या किसी के भी बाल लीलाओं पर, बच्चों पर आधारित, पुत्र इत्यादि के प्रेम को दर्शाने वाले वे प्रसंग किसके अंतर्गत आते हैं? वात्सल्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंबक पकरिबे धावत। अर्थात छोटा सा बच्चा अर्थात कृष्ण क्या कर रहे हैं? घुटनों के बल किलकारी मारते हुए नंद के आंगन में जो मणियों से युक्त है वहां पर क्या करते हैं? अपनी परछाई को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बच्चे के ब्याल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। इसके बाद आपका ग्रहवा रस, जो कि ये दोनों रस श्रृंगार में आते, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। और आपको बता दें, नेक्स्ट है भक्ति रस। ये भी प्रेम होता है, लेकिन ये ईश्वर विषयक प्रेम है। मीरा के जो प्रसंग हैं, मीराबाई के प्रसंग, तुलसीदास जी के ज्यादातर प्रसंग, कहीं कहीं सूरदास जी के प्रसंग, सब भक्ति भावना से वो तो प्रोत माने जाते हैं। जैसे राम जपु राम जपु राम जपु बावरे इत्यादि, बावरे इत्यादि क्या है? कौन सा रस है? भक्ति रस है। तो इस तरह से दोस्तों आपके बीच में हमने जो है रसों के बारे में बताया। अगले के नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को पूछना हो, कोई और उदाहरण आपको अगर पूछना हो, तो दोस्तों हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और हमारे 9473881283 इस नंबर पर भी आप कॉल या मैसेज करके अपने प्रश्नों को या अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।